Dear students, today we will read a chapter, The Adventures of Little Elf. Dear students, it is the story of a great inventor, a great scientist, Thomas Alva Edison. He was an American inventor. He invented many things such as light bulb and phonograph. Although Thomas was deaf, but he worked hard and never gave up. Today we will read the chapter and come to know about the great scientist Thomas Alva Edison. So let's start reading. Thomas Alva Edison is one of the best known inventor in history. जो history में जितने भी inventor हुए हैं, inventor होते हैं जो कोई invent करता है, कुछ नया खोजता है, उसमें से एक क्या है आपके Thomas Alva Edison. He was the youngest of the seven children of his parents. Youngest means सबसे छोटे थे of the seven children of his parents. And everyone called him L. हर कोई उसको क्या बोलता था L. Young L was a weak and fragile. Fragile means weak and likely to become ill. यानी कि कमजोर एक तरह से child with an unusually large head. और उसका हेड था वो कैसा था लार्ज था अनयूजुअली यानी कि एक तो साधारण होता है अनयूजुअली असाधारण रूप से क्या था बड़ा था और वो क्या थे फ्रेजाइल यानी कि वीक चाइल्ड थे फॉर सम ईयर्स ही वॉज नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ हिज पुअर हेल्थ और कई वर्षों तक तो उसको कई ईयर्स तक तो उसको स्कूल में भी अलाउ नहीं किया गया पढ़ने के लिए वाई बिकॉज ऑफ हिज पुअर हेल्थ एल वॉज पुअर एट स्टडीज स्टडीज में कैसे थे एल पुअर थे कमजोर थे वंस अ टीचर सेड इन फ्रंट ऑफ हिज मदर दैट ही वॉज एडल्ट एडल्ट मीन्स कन्फ्यूज यानी कि नॉट एबल टू थिंक क्लियरली वंस अ टीचर एक बार एक टीचर ने सेड इन फ्रंट ऑफ हिज मदर क्या कहा टीचर ने उसकी मदर के आगे That he was adult. Adult means confused, not able to think clearly. His mother was a teacher herself. She decided to withdraw L from school and educate him at home. So what she decided? क्या decide किया उसने? She decided to withdraw L from school. School से निकालने का and educate him at home. कहाँ educate करने की सोची उसको? At home. As a boy, Edison's curiosity and daring led him into unusual adventures. As a boy, Edison's curiosity, जो Edison की curiosity थी, curiosity means strong wish to know something, और जो उसका daring था, जो उसका हिम्मत थी, साहस था, led him into unusual adventures. वो adventures की तरफ लेके गया, उसको जो unusual थे, असाधारण थे. At the age of six, He went missing one day. जब वो सिक्स एज के थे तो वो क्या हो गए थे क्या हो गया था वो मिस हो गया था एक दिन गुम हो गया था After and anxious. Anxious means anxious होता है आपका feeling worried. After and anxious search. यानी कि his father. Father क्या हो गए जब वो नहीं मिले तो anxious हो गए ना चिंतित हो गए तो जब उन्होंने इसको search किया His father found him sitting in a nest. He made in the barn. Barn means a large farm building to store grain and keep animals in. यानी कि जहाँ पे क्या स्टोर किया जाता है ग्रेन को और एनिमल्स को रखा जाता है बार्न में वहाँ पर उसके फादर ने उसको देखा एंड व्हाट ही वॉज डूइंग ही वॉज सीटिंग इन अ नेस्ट एक नेस्ट के ऊपर बैठे हुए थे वो इट इज शोन इन दिस पिक्चर्स ऑल्सो पिक्चर ऑल्सो यस ना द नेस्ट वॉज फिल्ड विद गूज एग्स एंड हैंस एग्स ही हैड कलेक्टेड और जो नेस्ट था वो किससे फिल था गूज के एग्स थे और हैंस के एग्स थे ही हैड कलेक्टेड जो कि उसने कलेक्ट किए हुए थे एडिसन हैड नोटेड द वे अ गूज हैच्ड
हर एग्स बाय सीटिंग ऑन डैम। हैच मीन्स होता है मेड अ यंग बर्ड कम आउट ऑफ अ एग, यानी कि एक छोटे बेबी का, छोटे से जो बर्ड है उसका अंडे से बाहर निकलना। एंड व्हाट एडिशन हैड्स ऑन, क्या देख लिया था एडिशन ने, इट इज़ गिवन हेयर, इट इज़ गिवन हेयर, ही हैड, एडिशन हैड नोटेड द वे अ गूज हैच्ड हर एग्स बाय सीटिंग ऑन ए डैम। एडिशन ने नोट कर लिया था कि जो एक गूज है वो अंडे में से जैसे बच्चे को, उस बर्ड को कैसे बाहर निकाल रही है, कैसे, बाई सीटिंग ऑन ए डैम। एंड ही वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट हिमसेल्फ, और एडिसन भी वैसा ही सेम करना चाहता था। इट इज शोन इन दिस पिक्चर ऑल्सो, एडिसन इज सीटिंग ऑन द एग्स एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू हैच द एग्स। क्लियर। दो एडिसन डिड नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली, ही यूज टू रीड एवरी बुक इन हिज रीच। दो एडिशन डिड नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली, हालांकि एडिशन ने स्कूल रेगुलरली नहीं गए थे ना वो, ही यूज टू रीड एवरी बुक इन हिज रीच, लेकिन जो भी उसकी पहुंच तक बुक्स थी उसने वो सारी की सारी क्या कर ली थी, रीड कर ली थी। हिज पेरेंट्स वर एजुकेटेड एंड रिफाइंड पीपल, और उसके पेरेंट्स कैसे थे, एजुकेटेड एंड रिफाइंड, रिफाइंड होता है वेल एजुकेटेड एंड हैविंग ए हाई पोजिशन इन ए सोसाइटी। तो उसके पेरेंट्स कैसे थे, वर एजुकेटेड एंड रिफाइंड पीपल विद अ गुड लाइब्रेरी एट होम, और घर पर ही क्या थी उनकी, एक लाइब्रेरी थी। ही रेड वॉरसियसली मोस्टली बुक ऑन हिस्ट्री एंड साइंस, ही रेड, उसने रेड कर लिए थे, और वॉरसियसली मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि बहुत इन अ ह्यूज क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में, ऑन हिस्ट्री एंड साइंस, हिस्ट्री और साइंस में उसने बहुत ज़्यादा बुक्स क्या कर ली थी, रीड कर ली थी। ही इवन ट्राइड रीडिंग साइंटिफिक बुक्स दैट वर बियॉन्ड द ग्रेस्प ऑफ अ चाइल्ड। ही इवन ट्राइड, उसने तो यहाँ तक की ट्राई किया था, क्या ट्राई किया था, रीडिंग साइंटिफिक बुक्स, साइंटिफिक बुक्स पढ़ने की भी, दैट वर बियॉन्ड द ग्रेस्प ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि जो बच्चे की पहुँच से, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग से भी क्या थी, बाहर थी। ही हैड रेड दैट बुक्स ऑल्सो। क्लियर। इन द सेलर ऑफ हिज होम एडिसन सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी व्हेन ही वॉज 10 years old। इन द सेलर, सेलर मीन्स एन अंडरग्राउंड रूम यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, यानी कि जो अंडरग्राउंड रूम होता है जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर करते हैं। इन द सेलर ऑफ हिज होम, जो उसके होम के अंदर सेलर थी, एडिसन सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, एडिसन ने वहाँ क्या सेट कर ली थी, एक स्मॉल लेबोरेटरी व्हेन ही वॉज 10 years old, जो वो कितने ईयर्स का था, 10 years का। Every time he read about an experiment in a science book, he would try it in his laboratory. और जब भी वो किसी भी साइंस बुक में किसी भी एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ता था तो वो उसको कहाँ ट्राई करता था, इन हिज लेबोरेटरी। ही हैड कलेक्टेड अराउंड 200 bottles of chemicals and arranged them carefully on shelves of his cellar. And he had collected, उसने collect कर ली थी around 200 bottles, दो 200 के near about bottles of chemicals and arranged them carefully on shelves. और जहाँ shelves थी वहाँ पर उनको arrange कर लिया था chemicals के bottle को। All of them were labeled poison. और उनके ऊपर क्या लेबल लिखा, क्या लिखा हुआ था, पॉइजन, सो दैट नो वन एल्स वुड हैंडल और डिस्टर्ब देम, ताकि और कोई उनको क्या ना कर सके, छू ना सके या उनको डिस्टर्ब ना कर सके, उनको इधर उधर ना कर सके। द एक्सपेरिमेंट्स कंज्यूम्स द बॉय पॉकेट मनी रैपिडली। कंज्यूम क्या होता है, कंज्यूम मीन यूज्ड। क्लियर। जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था बॉय,
एडिसन जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसके जो पॉकेट मनी थी वो क्या हो रही थी, कंज्यूम हो रही थी, यूज हो रही थी, वो खर्च हो रही थी। सून ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ न्यूज़ बॉय, तो उसने क्या वर्क करना शुरू कर दिया, एक न्यूज़ बॉय का, यानी कि वो अ बॉय हु सेल्स न्यूज़पेपर। दो हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड टू, उसने क्या वर्क शुरू कर दिया था, सेलिंग न्यूज़पेपर। दो हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्ट था इस चीज़ के ऊपर, वो एतराज़ कर रहे थे, बट ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ न्यूज़ बॉय। एडिशन पॉइंटेड आउट दैट एज अ न्यूज़ बॉय ही कुड अर्न ऑल द मनी ही नीडेड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। और एडिशन ने क्या पॉइंट आउट किया, क्या बताया कि एक न्यूज़ बॉय का काम करके ही कुड अर्न ऑल द मनी, वो मनी को भी अर्न कर सकता है जो उसको नीड है उसके एक्सपेरिमेंट के लिए, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट करता है उसके लिए जो मनी की ज़रूरत है वो बाय सेलिंग न्यूज़पेपर ही कैन अर्न दैट मनी। बिसाइड ही कुड रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स फॉर फ्री, और इसके साथ साथ जो मैगजीन्स हैं और जो न्यूज़पेपर है वो उनको फ्री में क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। क्लियर। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अप टू हेयर ओनली। सो व्हाट इज इन दिस स्टोरी, क्या था स्टोरी के अंदर, स्टोरी के अंदर आपने पढ़ा कि एक बॉय है थॉमस एल्वा एडिशन जो कि आपके ग्रेट साइंटिस्ट हैं, एंड जब वो 7 ईयर्स का था, सॉरी जो उसके 7 जो ब्रदर्स थे वो सब में छोटा था, उसको क्या बोला जाता था, एल बोला जाता था, और बहुत सालों तक उसको स्कूल में भी अलाउ नहीं किया गया था रीड करने के लिए बिकॉज ऑफ हिज पुअर हेल्थ। और वंस अ टीचर सेड टू हिम एडल्ट इन फ्रंट ऑफ हिज मदर, सो हिज मदर डिसाइडेड टू विदड्रॉ हिम फ्रॉम द स्कूल, एंड एडिसन वॉज अ बॉय फुल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड डेयरिंग, एंड वेन ही वॉज एट एज ऑफ 6 ही वेंट मिसिंग वन डे, एंड वेहर हिज फादर फाउंड हिम इन हिज बर्न वेहर ही वॉज सीटिंग ऑन द नेस्ट, एंड वट ही वॉज ट्राइंग टू डू, ही वॉज ट्राइंग टू हैच द एग्स बाई सीटिंग ऑन दैम, जैसे इसमें दिखा रखा है वो अंडों के ऊपर बैठ कर उनको क्या कर रहा था, हैच्ड कर रहा था। एडिसन ने दो एडिसन डिड नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली बट He had read every book in his reach, and his parents were very refined people, and they have a library at home. Clear? And Edison set up a small library. कहाँ आप, उसने अपनी library कहाँ set up की थी? In his cellar. And when he was 10 years old, जब वो 10 years के ही थे. Clear? And he was interesting in science and history. Clear? And whenever he read about any type of experiment, he always tried to do that experiment in his laboratory. In this way, his pocket money consumed rapidly. यानी कि उसकी जो pocket money थी वो जल्दी से क्या होने लगी, खर्च होने लगी. So what he decided. To sell a newspaper, clear? And what he said, by selling newspaper, क्या कर सकता है वो, एक तो अपने लिए वो पैसा अर्न कर सकता है अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, और दूसरी चीज़ वो फ्री में क्या कर सकता है, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को रीड कर सकता है। सो टुडे वी विल रीड अप टू हेयर ओनली, वी विल मीट अगेन, टिल देन हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड थैंक यू।